आप सभी को एनबीसी भारत की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के राशिफल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा आनंद। और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला, और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। शुरू करते हैं मेष राशि से। आप अपने व्यवहारिक कौशल और समझ से कोई अधूरा काम पूरा करने में सक्षम होंगे। लोगों के बीच आपकी प्रशंसा भी होगी। किसी करीबी के काम में भी आपका सहयोग मिलेगा। काम ज्यादा होने पर भी आप अपने पारिवारिक कार्यों को प्राथमिकता पर रखेंगे। बच्चों की किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए आपका योगदान आवश्यक है। साझेदारी से जुड़े व्यापार में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। पति पत्नी के आपस में मधुर संबंध रहेंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। तो आज आपको अपने प्रिय मित्र की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। ऐसा करने से आपको शांति मिलेगी। युवाओं को गलत गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने करियर को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यवसायिक गतिविधियों में कोई नई योजना लेते समय सावधानी से सोचें। घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। आज आपका ध्यान किसी विशेष विषय पर केंद्रित रहेगा। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों वाले लोगों के साथ कुछ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। दूसरे लोगों के मामले में दखल न दे, इस वजह से एक दूसरे के रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। जमीन के खरीद फरोख्त से संबंधित किसी योजना से आज बचना चाहिए। व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में खुशी का माहौल बन सकता है। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। तो आज कुछ समय अपनी रुचि के कार्यों के लिए निकालें। ऐसा करने से आप आराम और खुशी महसूस करेंगे, साथ ही नई ऊर्जा का संचार करेंगे। परिवार में चल रही कोई समस्या भी हल हो सकती है। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। इस वजह से किसी करीबी से संबंध भी खराब हो सकते हैं। किसी करीबी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में उचित समानता बनी रह सकती है। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। तो अपने निजी मामले में दूसरों की सलाह पर अपने फैसले को प्राथमिकता देना आपके लिए सही रहेगा। इस समय घर में किसी तरह के बदलाव की योजना बनेगी। समय के अनुसार अपनी जीवन शैली को बदलना जरूरी है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में बहुत अनुशासित और सख्त होना दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों में कर्मचारियों और कर्मचारियों की सलाह को भी महत्व दें। पति पत्नी के संबंध में मधुरता आएगी। अत्यधिक तनाव और काम के कारण सिरदर्द हो सकता है। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। तो आज घर में रिश्तेदारों या करीबी दोस्तों की मौजूदगी से खुशी का माहौल बनेगा। संतान को लेकर चल रही किसी चिंता को दूर करने से राहत मिलेगी। कुछ समय किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान पर बिताएं। आज के दिन किसी भी अवैध गतिविधियों में रुचि ना लें। बहुत अधिक विवादों में ना पड़े, नहीं तो समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। इस समय अपने सभी आंदोलनों को धैर्य और संयम के साथ करना आवश्यक है। व्यवसाय से जुड़े कोई विशेष निर्णय लेने से पहले घर पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। काम के अधिक बोझ के कारण थकान की स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तो आज कोई विशेष सफलता मिल सकती है। साथ ही आपको अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिल सकता है। घर के रखरखाव के कार्यों में सुधार हो सकता है। कुछ समय आत्मनिरीक्षण और अपने व्यक्तित्व को निखारने में बिताएं। गुस्से पर काबू पाएं, क्योंकि वह बने बनाए काम खराब कर सकता है। बच्चों के बारे में कुछ नकारात्मक जानने से मन थोड़ा चिंतित हो सकता है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा हो सकता है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। तो आज कई पुरानी चिंता और तनाव दूर हो जाएंगे। भाइयों से भी संबंध मधुर होने से पारिवारिक वातावरण में सुखद परिवर्तन आएगा। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ अनबन हो सकती है। एक दूसरे के विचारों को समझ और उनका सम्मान करें। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान पर जाने से सुकून और शांति मिलेगी। बिजनेस से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। घर में शांति और खुशी का माहौल रहेगा। एलर्जी से जुड़ी कोई बड़ी समस्या हो सकती है। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आपको आपके किसी विशेष प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है।
आपकी वाणी और अभिनय शैली से लोग प्रभावित होंगे। समय के मूल्य को पहचाने, सही समय पर सही काम न करना आपको नुकसान ही पहुंचा सकता है। आपके व्यवहार में धैर्य और नम्रता आवश्यक है। पुरानी संपत्ति से जुड़ी समस्या का समाधान निकालना मुश्किल है। साझेदारी से जुड़े व्यापार में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। आपको सभी सुख सुविधाएं का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। तो आज लोगों से मुलाकात होगी, किसी समारोह आदि में जाने का अवसर मिल सकता है। आपके मन में जो सपने हैं उन्हें सच करने का सही समय है। घर में अचानक किसी मेहमान का आगमन चिंता और नकारात्मकता का कारण बन सकता है। किसी भी प्रकार की यात्रा अब हानिकारक हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि पड़ोसियों से संबंध खराब ना हो। व्यवसाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत लेने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए समय अनुकूल नहीं है। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आज साझेदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है। आपकी योग्यता और उचित कार्यप्रणाली आपको अपने काम में और गति प्रदान करेगी। युवा अपनी लापरवाही या व्यवहारिक कौशल की कमी के कारण व्यावसायिक मामलों में धोखा दे सकते हैं। अधिक सोचने से महत्वपूर्ण सफलता छूट सकती है। बाहरी लोगों को अपनी व्यवसायिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने दें। दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन हो सकती है। सेहत थोड़ी कमजोर रहेगी। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। तो आज आपको अपनी योग्यता के अनुसार सही परिणाम भी मिलेगा। कुछ खर्च अचानक आ सकते हैं। इस समय बजट बनाना बहुत जरूरी है। आप जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहेंगे, जिसे ठीक से पूरा ना कर पाने पर जलन भी हो सकती है। व्यवसायिक मामलों में आपकी समझ और योग्यता आपको कुछ सफलता दिलाएगी। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखने में कुछ कठिनाइयां आएंगी। अपनी दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित रखने से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज के इस राशिफल में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए राशिफल के साथ होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।